हेलो गाइस, आरके ऑफिशियल मंच में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज मैं सफ़र कर रहा हूँ आदिवासी हेयर ऑयल हक्की पिक्की कर्नाटका मैसूरू के लिए। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहें और लास्ट तक देखें। तो फाइनली दोस्तों, मैं मैसूरू पहुँच गया और अब मैं यहाँ से निकलता हूँ रोडवेज के लिए। रोडवेज से मुझे पकड़नी है हंसूर की बस, जो यहाँ से 51 किलोमीटर है। तो दोस्तों, चलते हैं, फटाफट पकड़ते हैं हंसूर की बस और चलते हैं हंसूर। फाइनली दोस्तों, मैं हंसूर भी पहुँच गया। अब मैं यहाँ से निकलूँगा हक्की पिक्की आदिवासी गांव में, जो यहाँ से 7 किलोमीटर है। और ये मैं गांव में पहुँच गया हूँ। तो ये मुझे पहली दुकान दिखी है और आगे भी इसी तरह जो कि दुकान दिखेगी रोड पे, लेकिन मैं कहीं नहीं रुकने वाला दोस्तों। सीधा मैं चलूँगा विनय भाई के घर। तो दोस्तों, देखिए अब मैं आ गया हूँ विनय भाई के घर। तो दोस्तों, इनसे मैं मिलता हूँ और कुछ बातचीत करता है। तो दोस्तों, उसके बाद जो है कि ये इनका टाइमिंग होती है 11 बजे तक। ये सुबह से 11 बजे तक जो कि कॉलिंग बात करते हैं, वीडियो कॉलिंग। ये जो बच्चे बैठे हुए हैं यहाँ पे, सब जो कि वीडियो कॉल पर ऑर्डर लेने के लिए बैठे हैं। दोस्तों, सबका ऑर्डर चल रहा है। तो मैं यहाँ पर कुछ टाइम मुझे विनय भाई दिए और उनसे कुछ बातचीत हुई आप कैमरा। उसके बाद जो कि मैंने 2-3 बॉटल आयल भी लिया और वहाँ से मैं निकल लिया सीधे दूसरी जगह। तो दोस्तों, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ एक और हमारे मित्र हैं उनसे मिलने के लिए। मैं सोचा नहीं था कि इतना प्यारा गांव होगा। दोस्तों, वीडियो में बने रहे, लास्ट तक देखें। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। देखते रहें वीडियो को और वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों आगे शेयर, लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें दोस्तों। दोस्तों, आज मैं 4000 किलोमीटर का सफ़र तय करके आया हूं सिर्फ आपके लिए। और दोस्तों, सोशल मीडिया पर बहुत वीडियो देखी थी, बहुत नाम भी जो कि सुना था, तो सोचा हम भी चलें वहां देखें और कुछ रिकॉर्ड करें। तो दोस्तों, मैं भी अपना बैग उठाया और चला आया। दोस्तों, बहुत मेहनत के साथ मैं ये वीडियो बनाया हूँ। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। ये सब कंट्री लगाने से आप भी एक हफ्ता कंट्री लगाना, प्याज घस अब 8 दिन के बाद हफ्ते में 2 बार लगा, 3 महीना चलेगा। 2 बोतल 1 लीटर होता है, ऐसा तो 6 महीने लगा तो ऐसा ही बाल है। देखो मेरा भाव का बाल है, ये मेरा भाव है, ये मेरा बेटा है। ठीक है, कितने घंटे आपको बताते हैं? देखिए, 6 घंटा पकाते हैं। 6 घंटा, 6 घंटा पकाते हैं। और कौन कौन मिलाते हैं इसमें? नारियल का तेल,
और अपना ये कंती का तेल और अरंडी का तेल और अमला का तेल, तीन चार आइटम मिलाते हैं, 108 जड़ी बूटी में पकाते हैं, चार घंटा पकाते हैं, 108 जड़ी बूटियाँ डालते हैं। ये सूखा जड़ी बूटी है और इसमें कच्चा जड़ी बूटी ये बोले थे जंगली फूल से दोस्तों, जब भी आपको तेल मंगवाना हो तो आप इन्हीं से मंगवाएं और स्क्रीन पर नंबर दिया हुआ है या आप उस पर कॉल करें। दोस्तों, नाम नहीं, हमें काम चाहिए। बहुत अच्छा तेल है दोस्तों, मैंने इसको ट्राई भी किया तो बहुत अच्छा रिजल्ट आया। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को आगे शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्ते, मैसूर कर्नाटक आदिवासी लोग बनवा रहे हैं। हम पूरा खुद हाथों से बनवट करने का तेल है। देखो, ये तेल है, खुद हाथों से बनाने का तेल है। ये आधा लीटर है, जेंट्स के लिए आधा लीटर काफी है। जेंट्स के लिए ऐसा वाला दो बॉटल, लेडीज के लिए दो बॉटल 6 महीना लगाना कोर्स है। अगर जेंट्स के लिए एक बॉटल 3 महीना चलेगा, जेंट्स के लिए काफी है। लेडीज के लिए ऐसा वाला 2 बॉटल 6 महीना कोर्स करना पड़ेगा। ये 108 जड़ी बूटी तेल है। देखो, पका है ये तेल, पका के रखा है हमने। देखो, 108 जड़ी बूटी है, 108 जड़ी बूटी में पका के उबल के छान के निकालने का तेल है। ये तेल लगाने से जो बाल झड़ रहा है, टूट रहा है, बाल को रुकवाट करके जो बाल को घना, मजबूत, लंबे ग्रोथ कर देगा। तो दिन में 10-12 बाल झड़ रहा है, टूट रहा है, आपका एक 10-15 दिन का गारंटी देगा। 10-15 दिन में झड़ना टूटना बाल 100% रुकवाट कर देगा। नहीं रुका तो हम आपको पूरा, हमें अलग से सोल्यूशन देगा। आपको इसमें हमारे तेल में काम नहीं किया, हमारे दोबारा फ्री में, हमारे से हमारे फ्री में आपको दूसरा हमें पाउडर देगी। प्लेटफॉर्म क्रमांक 1।